हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नाजिया फूड हब। आज हम बनाएंगे समोसे। आई होप आपको पसंद आएंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया 200 ग्राम मैदा। इसमें एक चम्मच नमक डालूंगी मैं, और ये लिया है आधा चम्मच अजवाइन, ये भी ऐड कर देंगे इसमें। ये 2 चम्मच मैंने तेल लिया, रिफाइंड ऑयल, ये पूरा नहीं डाला मैंने इसमें। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है इस तरह से, और फिर इस तरह से दबाना है इसको। देखिए ये हाथ में बाइंड होने लगे मैदा और ऑयल, तो इसमें अब ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम एक अच्छा सा डो बना लेंगे इस तरह से। मेरा डो तैयार हो गया है, ये देखिए तैयार हो गया डो। समोसों की फिलिंग के लिए मैंने लिए आलू, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। इसमें मैंने भुना मसाला लिया है, भुना जीरा, भुनी मिर्च और धनिया, और पीस लिया है इसको। और ये मैंने लाल मिर्च और नमक लिया है। ये कसूरी मेथी है, रोस्ट कर लिए मैंने। ये जीरा है आधा चम्मच, हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्च मैंने बारीक काट लिया है। अब आलुओं को हम फोर्क की मदद से तोड़ लेंगे। थोड़ा मोटा मोटा रखना है इन आलुओं को, अच्छी तरह से मैश नहीं करना है, बस इसी तरह से रहेंगे। अब पैन में हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेंगे। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसमें जीरे को ऐड करेंगे। फिर हम इनमें डालेंगे आलू। अब इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च, नमक और भुना मसाला। नमक और लाल मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं अपने। और फिर इसमें कसूरी मेथी डाली मैंने, ये मैंने रोस्ट कर ली थी, रोस्ट करके ही डालिएगा कसूरी मेथी। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए फिलिंग के आलू तैयार है। अब इनमें धनिया, हरी मिर्च और प्याज को ऐड करना है और मिक्स कर देना है। अब एक मीडियम साइज का पेड़ा लेना है और एक बारीक पतली रोटी बनानी है, छोटी सी, बहुत ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, बस सही सही रोटी बनानी है। तरह से ये रोटी मेरी बन गई है, देखिए। अब हम इसको बीच से कट कर लेंगे। और फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करना है, समोसों का शेप देना है और दबा देना है बीच से। ये आलू फिल कर देने हैं और फिर इस तरह से इसको बंद कर देना है। ये देखिए एक छोटा सा प्यारा सा समोसा तैयार हो गया है, ये देखिए। समोसे बनाना बहुत ही इजी है। ये दूसरा समोसा भी हम ऐसे ही करेंगे फोल्ड, और इसको भी इस तरह से बंद करेंगे और फिर इसको फिल कर देंगे, इनमें आलू फिल करने। ये देखिए इसी तरह से बाकी के समोसे भी बना लेने। ये देखिए ये भी तैयार हो गया समोसा छोटा सा।
कढ़ाई में मैंने तेल लिया था, ये काफ़ी देर से पक रहा है। फिर मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। अब इसमें समोसे तलेंगे हम। काफ़ी पेशेंस के साथ समोसे तलने हैं एकदम मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम मत करिएगा नहीं तो समोसे जल जाएंगे। इन समोसों को तलते हुए काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन तब भी अच्छी तरह से तलना है इन्हें। एक साइड से थोड़े से सिक गए हैं समोसे मेरे, ये देखिए बस सिकने वाले। अब इन समोसों को हम निकाल लेंगे। ये फ्राई हो गए हैं समोसे, ये देखिए इनको नैपकिन पर निकालना है जिसमें एक्स्ट्रा ऑयल इनका ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स कैसे लगे आपको समोसे? आप भी ट्राई कीजिए और बनाइए घर में ही गर्मा गर्म समोसे, पसंद आए होंगे आपको ज़रूर। सबको अच्छे लगेंगे, बनाइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन।